हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोसेसर में आपका इंटरप्ट। तो इंटरप्ट के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। तो इंटरप्ट इज ए सिग्नल दैट इज जनरेटेड बाय एक्सटर्नली डिवाइस। ये आपका इंटरप्ट जो है स्टूडेंट, एक प्रकार का सिग्नल होता है, ये जनरेट होता है आपका एक्सटर्नल डिवाइस से टू द माइक्रो प्रोसेसर टू रिक्वेस्ट द परफॉर्म द टास्क। मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करो, परफॉर्म द टास्क करो। मतलब जो आपको वर्किंग दिया गया वो वर्किंग करो। तो इंटरप्ट इज ए सिग्नल दैट इज जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर टू रिक्वेस्ट दैट परफॉर्म दैट टास्क। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, इंटरप्ट का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट, द माइक्रो प्रोसेसर द इंटरप्ट काउज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन। मतलब इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसके बिटवीन में, आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। मतलब माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। ये आपका दोनों आपका क्या है स्टूडेंट, इंटरप्ट का डिफिनेशन है। तो माइक्रो प्रोसेसर में आपका इंटरप्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, डिफिनेशन के तौर पर स्टूडेंट क्या करना, लिखना है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट, अब देखो इंटरप्ट को कितने तरह से डिवाइड किया गया। एक होता है वेक्टर इंटरप्ट, एक होता है आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट, एक होता है मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो आपसे पूछेगा कि इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोला इंटरप्ट चार तरह के होते हैं। एक होता है वेक्टर इंटरप्ट, उसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट। इन दिस इंटरप्ट द इंटरप्ट एड्रेस इज नोन बाय माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये एड्रेस आपको माइक्रो प्रोसेसर को नोन रहता है उसी को क्या बोलेंगे, जिस एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर को पता रहता है उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेक्टर इंटरप्ट बोलेंगे। इसका मतलब सीधी भाषा में समझना है, इन दिस इंटरप्ट द इंटरप्ट एड्रेस, इंटरप्ट का जो एड्रेस होता है वो माइक्रो प्रोसेसर को पता रहता है, इसी तरह के इंटरप्ट को हम लोग वेक्टर इंटरप्ट बोलेंगे। म्यूपी है स्टूडेंट, ये उसको बोलते हैं शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो वेक्टर इंटरप्ट में आपका ये आपका एग्जांपल है, एक होता है आपका RST 7.5, एक होता है RST 6.5, एक होता है RST 5.5, एक होता है ट्रैप, इसी को बोलते हैं RST 4.5। अब देखो स्टूडेंट, ये सब जो है आपका वेक्टर इंटरप्ट है, तो इस इंटरप्ट का एड्रेस क्या होगा, इस एड्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कुछ लॉजिक रूल है। आपको क्या करना है, 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होता है, 8 बिट का होता है, इसीलिए इसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, और ये जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब देखो ये स्टूडेंट, जो वेक्टर इंटरप्ट का जो एड्रेस का लोकेशन होता है वो हेक्सा डेसिमल में होता है, इसीलिए 16 डेसिमल को आपको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 003C मिलेगा। ये आपको बता चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्सा डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आरएसटी 7.5 का जो वेक्टर लोकेशन होगा वो 003C हेक्स होगा। ये आपका कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आरएसटी 7.5 का वेक्टर लोकेशन क्या होगा। चार वो ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा, वो ऑप्शन होगा 003C हेक्स। अब देखो स्टूडेंट, सिमिलर स्टाइल में ये रिमेनिंग को सॉल्व करेंगे। आरएसटी 6.5 है, ये आपका क्या होता है, इसको 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 52 डेसिमल आएगा, और आपको डेसिमल को यदि हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0034 हेक्स आएगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखो आरएसटी 5.5 को यदि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 44 10 हो जाएगा, मतलब 44 डेसिमल में आ जाएगा, फिर 44 डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 002C हेक्स आएगा। अब देखो ट्रैप, ट्रैप का दूसरा नाम है स्टूडेंट आरएसटी 4.5, 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल में आ जाएगा 36 डेसिमल, और इस डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0024 हेक्स आ जाएगा। ये सब आपका क्या है, वेक्टर इंटरप्ट है। वेक्टर इंटरप्ट उस तरह के इंटरप्ट को बोलेंगे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जिसका एड्रेस को नोन है, माइक्रो प्रोसेसर को जिसका एड्रेस पता है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेक्टर इंटरप्ट बोलेंगे। तो वेक्टर इंटरप्ट में आपका आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5 और ट्रैप, और ट्रैप का दूसरा नाम है
RST 4.5। इसको वेक्टर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग उस चीज का वेक्टर लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट किसको बोलते हैं, उस तरह का इंटरप्ट जिसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं रहता है उसी को बोलेंगे नॉन वेक्टर इंटरप्ट। देखो इन इंटरप्ट एड्रेस इज नॉट नोन बाय माइक्रो प्रोसेसर, इसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं होता है, बट द इंटरप्ट एड्रेस इज गिवेन बाय एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस से इसका हम लोग एड्रेस को पता करते हैं। जैसे आपका हो गया स्टूडेंट INTR, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा वेक्टर इंटरप्ट है, तो ये सब वेक्टर इंटरप्ट है। कौन सा आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, आपको याद रखना है INTR जो होता है नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन वेक्टर में चार को ऑप्शन दिया जाएगा, उसके में सिलेक्शन करना है कि आपका नॉन वेक्टर कौन है, तो बोलना है INTR जो है नॉन वेक्टर है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ट्रैप या तो 4.5, ये सब आपका वेक्टर इंटरप्ट है। वेक्टर इंटरप्ट उस तरह के इंटरप्ट को बोलते हैं जिस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर को पता रहता है उसको वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं, जिस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर को पता नहीं रहता है उसको नॉन वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं। वो आपका एड्रेस कैसे पता चलता है, एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू। ये आपका वेक्टर इंटरप्ट, ये आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट। एक होता मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट किस तरह के इंटरप्ट को बोलेंगे, वो आपका डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, स्टूडेंट एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है। These are the interrupt which can disable by writing some instruction. मतलब disable होगा यदि हम लोग कुछ writing करेंगे instruction को, ये क्या होगा, disable होगा। उसी तरह के interrupt को हम लोग क्या बोलेंगे student, maskable interrupt बोलेंगे। Maskable interrupt में RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR जो होता है वो आपका maskable interrupt होता है। सीधी भाषा में याद रखना है कि maskable interrupt कौन कौन सा होता है, तो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR जो होगा maskable होगा। ट्रैप जो होगा वो मास्केबल नहीं होगा, इसको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि ट्रैप जो है मास्केबल है कि नॉन मास्केबल है, तो आपको बोलना ट्रैप जो होता है वो नॉन मास्केबल होता है। अब देखो स्टूडेंट, नॉन मास्केबल किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन है दीज इंटरप्ट कैन नॉट डिसेबल बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ये डिसेबल नहीं होता है जब भी हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को राइटिंग करते हैं, तो इस तरह के इंटरप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलेंगे। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट में आपका जो एग्जांपल है ट्रैप है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट किसको बोलते हैं, तो ट्रैप आपका हो जाएगा नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसका आपका दूसरा नाम है RST 4.5। ये आपका माइक्रोप्रोसेसर का इंटरप्ट टॉपिक है स्टूडेंट। यदि आपका माइक्रोप्रोसेसर में इंटरप्ट कॉन्सेप्ट पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपको इंटरप्ट का डिफिनेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इस एग्जाम्पल को याद रखना है कि कौन सा इंटरप्ट वेक्टर है, कौन सा इंटरप्ट नॉन वेक्टर है, कौन सा आपका वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर आपका मास्केबल इंटरप्ट है और कौन आपका नॉन मास्केबल है। ये सब आपका एग्जाम्पल को याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना है। हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम स्टूडेंट।